दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी आपको डेली प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन आपको जब भी प्रॉफिट देगी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाल के देगी। अगर आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, अगर आपको प्रॉफिट करना है मार्केट से, तो आपको एक स्ट्रैटेजी या दो स्ट्रैटेजी, ज़्यादा से ज़्यादा तीन स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होती है दोस्तों। तीन स्ट्रैटेजी अगर आपके लिए वर्क करती है तो आपको उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होता है, उसके बाद जो स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी वो देख के आप हैरान हो जाओगे। तो आपको मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो स्ट्रैटेजी आपको डेली प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन जब भी देगी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देने वाली है। तो स्ट्रैटेजी में क्या है, क्या सेटिंग होने वाली है, क्या मैं बताने वाली हूँ और क्या स्टॉप लॉस टारगेट होने वाले हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, एक आध वीडियो आपने देख ली होगी कैंडलस्टिक के बारे में। और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मार्केट में वर्क करती है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान देते हो लाइव मार्केट में, तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं यही लेके आई हूँ, एक बढ़िया सी कैंडलस्टिक पैटर्न लेके आई हूँ। मैं निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, आप देख पा रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बता रही हूँ आपको। और निफ्टी के चार्ट में मैंने ये कैंडलस्टिक पैटर्न ड्रॉ करके रखी है, आपको सर्कल दिख रहा होगा कैंडलस्टिक पैटर्न पर। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जो कहते हैं वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जब भी बनेगी चार्ट में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। ये दो या तीन दिन में एक बार आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देगी। अगर आप डेली इसे अप्लाई करते हो, डेली तो नहीं बनेगी, लेकिन जब भी आप इसे अप्लाई करते हो तो ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देके जाने वाली है। स्टॉप लॉस कभी कभी हिट होगा आपका, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा। इसलिए मैं हर स्ट्रैटेजी की वीडियो में आपको बताती हूँ कि स्टॉप लॉस आपको लगाना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है शूटिंग स्टार। यहाँ पर जब भी बनेगा आपको, तो यहाँ पर आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। अब किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखिए यहाँ पे बनी है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनने के बाद जैसे ही शूटिंग स्टार का ब्रेकडाउन होगा, तब हमें शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें रिवर्सल के लिए बहुत ही अच्छे से ट्रेड देती है। ये बनती है जब भी चार्ट जो होता है उसके टॉप पे ये बनती है शूटिंग स्टार। तो टॉप पे जब भी शूटिंग स्टार इस तरह की दिख जाए आपको, तो आपको शूटिंग स्टार के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेना होता है। ब्रेकआउट उसे कहते हैं दोस्तों जो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट दे दे, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। और डाउन ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट देता है तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। तो शूटिंग स्टार का जब भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब ये शूटिंग स्टार के नीचे कैंडल किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो इसे हम ब्रेकडाउन मानेंगे। कैंडल क्लोजिंग को हम ब्रेकडाउन मानेंगे। कैंडल क्लोजिंग के बाद जो कन्फर्मेशन कैंडल बनेगी उस पर हम एंट्री लेंगे। ये हमारे लिए कन्फर्मेशन कैंडल बनी और ये ब्रेकडाउन कैंडल बनी। ब्रेकडाउन कैंडल कंप्लीट होने के बाद जो कन्फर्मेशन कैंडल बनेगी उस पर हम एंट्री लेंगे। हमारे लिए ये कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है, क्योंकि ये कैंडल जो है ग्रीन बनी है और अप ट्रेंड में ये क्लोज हुई है, तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है। कन्फर्मेशन कैंडल अगर हमें पुट में एंट्री लेना है तो ये बनेगी रेड वाली कैंडल हमारे लिए कन्फर्मेशन। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मार्केट ने कितना बढ़िया हमें प्रॉफिट दिया है। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा प्रॉफिट हमें मार्केट ने दिया है। हम यहाँ पे नाप के देख लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे भी एंट्री ली होती और यहाँ तक का प्रॉफिट निकाला होता तो 160 पॉइंट का प्रॉफिट मार्केट ने हमें दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है दोस्तों। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट क्या रखना है, ये मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यहाँ पे और एक एग्जांपल देख पा रहे हो निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि शूटिंग स्टार बनी हुई है, उसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया हुआ है। उसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल जो है हमारे लिए ये वाली बनती है। ये हमारे लिए कन्फर्मेशन बनने के बाद अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेते थे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल गया होता। देख लेते हैं कितना प्रॉफिट इस कन्फर्मेशन के बाद हमें मिला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 83 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस
ट्रेड में मिला होता अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती। आप देख पा रहे 88 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिला हुआ है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेटजी है वर्क करती है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है। ये निफ्टी में भी वर्क करेगी, बैंक निफ्टी में भी वर्क करेगी। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख पा रहे हो यहाँ पे शूटिंग स्टार मैंने सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है। उसके बाद आप देख पा रहे हो दोस्तों कितना बढ़िया प्रॉफिट मार्केट ने दिया हुआ है। बैंक निफ्टी में भी आप 15 मिनट में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। ब्रेकआउट के बाद कन्फर्मेशन कैंडल बनने का वेट करना है, तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन कैंडल होगी। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हम लेते तो 181 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिल गया होता बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है दोस्तों। एक और बैक टेस्टिंग आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से ये स्ट्रेटेजी जो है वर्क करती है। फिर बताऊँगी स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए आपका। एक और बैक टेस्टिंग बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो है शूटिंग स्टार बनी हुई है और उसके पे मैंने सर्कल किया हुआ है। ब्रेकआउट कैंडल हमारे लिए ये वाली रहेगी और कन्फर्मेशन कैंडल हमारे लिए ये वाली रहेगी। कन्फर्मेशन कैंडल के बाद हमने एंट्री लिया होता तो कितना बढ़िया प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी ने दिया हुआ है, ये मैं थोड़ा सा स्क्वीज करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे कितना बढ़िया हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिया। अगर हमने इस कैंडल पर भी एंट्री लिया होता तो भी हमें यहाँ पर कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिला है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 600 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिल चुका है यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हम निकाल सकते थे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। अब मैं बता रही हूँ स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है और टारगेट आपका क्या होना चाहिए। थोड़ा सा इसे ब्रॉड कर देती हूँ ताकि आपको स्टॉप लॉस समझ में आ जाए। अगर आपने इस कैंडल पे एंट्री लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस जो है प्रीवियस कैंडल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ये मतलब इस स्विंग के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस स्विंग के पास अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आपका 1:2 का होना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप अच्छा खासा बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो इस स्ट्रेटजी के जरिए। तो ये स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वर्क करती है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है। अगर आप अपना कैपिटल लगा रहे हो मार्केट में तो आप एक रिस्क ले रहे हो, और अगर रिस्क ले रहे हो तो रिस्क ऐसे ट्रेड पे लो जो ट्रेड आपको प्रॉफिट दे के जाए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न डेली नहीं वर्क करेगी, ये भी मैं बता रही हूँ, लेकिन जब भी वर्क करेगी, जब भी आपकी स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी तब ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे के जाएगी। स्टॉप लॉस आपको हर ट्रेड में लगाना होता है। जिस दिन स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, आपका सेटअप वर्क नहीं करता जिस दिन, उस दिन आपको अपना स्क्रीन क्लोज कर देना है। उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेना, तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो अगर ये बात आप मेरी मान लेते हो तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बाकी की स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको मेरे आई बटन में मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई अपने चैनल पर, वो है ऑर्डर बुक की वीडियो, उसे ज़रूर जाके देखिए। ऑर्डर बुक की वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल चेंज कर देगी और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी, तो ज़रूर जाके देखिए उस वीडियो को। बाकी स्ट्रैटेजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे भी ज़रूर जाके देखिए। एंड स्क्रीन में भी आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो मिल जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और बाकी की स्ट्रैटेजी जो आप देखना चाहते हो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके और जो है ट्रेडिंग करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके और अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।